अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जेंडर स्टडीज का, प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स कॉलन क्वेयर थ्योरी। देखें फ्रेंड्स, इसमें जो टॉपिक है वो क्वेयर थ्योरी है। अब क्वेयर थ्योरी में ये जो प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स है, ये जो प्रॉब्लमेटाइजिंग वर्ड है, इसका मतलब ये है कि आप किसी प्रॉब्लम को लें और उसको प्रॉब्लम कंसिडर करें और फिर जो है उसमें आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें। तो ये जो प्रॉब्लमेटाइजिंग वर्ड है वो मैं यहीं पे क्लियर करता जाऊं कि प्रॉब्लमेटाइजिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी इशू को, एक इशू समझते हैं और फिर उसको समझने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो इस चीज को डील करती है क्वेयर थ्योरी। तो जो कैटेगरी ऑफ सेक्स है उसको एक प्रॉब्लम लिया गया और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया, तो उस सारे प्रोसीजर को जो चीज डील करती है उसको क्वेयर थ्योरी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस, हमारा सीएसएस का जो सिलेबस है उसमें जो सेकंड चैप्टर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, उसके अंडर जो सेकंड हेडिंग है प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स क्वेयर थ्योरी, आज हम इसको डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेयर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं What is queer? Queer is by definition whatever is at odds with the normal, the legitimate, the dominant. Queer को by definition एक odd चीज होती है। किस चीज से वो odd होती है? Normal से odd होती है, जो legitimate है उससे odd होती है, और जो dominant चीज है उससे odd होती है। There is nothing in particular to which it necessarily refers. It is an identity without an essence. Queer then demonstrates not a positive but a positive but oppositionality was always the normative. तो ये जो है queer की एक definition है। उसके बारे में जो Enamore Jagosi वो लिखती है कि उन्होंने लिखा था क्वेयर थ्योरी एन इंट्रोडक्शन इन 1996, ये उसकी आर्टिकल का नाम है। उसमें उसने लिखा है कि क्वेयर यूज टू बी अ स्लैंग, ये एक स्लैंग वर्ड यूज होता है होमोसेक्सुअल के लिए, एंड वाज यूज्ड फॉर होमोफोबिक अब्यूज, एक होमोफोबिक अब्यूज यानी कि सेम सेक्स के लिए जो अब्यूज वर्ड है वो, उसके लिए क्वेयर यूज होता है। Recently, this term has been used as an umbrella term for a coalition of sexual identity that are culturally marginalized and at any other times to create discourse surrounding the budding theoretical model. देखें ये जो budding word है ना, इसका मतलब है beginning to develop or become successful. यानी कि आपने जो है ना एक इनिशिएटिव लिया गया, बडिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब थ्योरेटिकल बनना शुरू हुआ है, दैट प्राइमरीली अरोज थ्रू मोर ट्रेडिशनल लेस्बियन एंड गे स्टेटस। तो इस तरह जो है ये उसका व्यू है। उससे आगे वो कहता है कि क्वेयर फोकसेस ऑन मिसमैचेस बिटवीन सेक्स, ये किस चीज पे फोकस करता है, मिसमैचेस ऑफ सेक्स पे, जेंडर पे और उनकी जो डिजायर्स हैं। फॉर मोस्ट Queer has been prominently associated with those who identify as lesbian and gay. ये basically उनसे भी associated है जो कि खुद को identify करते हैं as a lesbian और gay. Unknown to many, queer is in association with more than just gay and lesbian. हालांकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी जो association एक gay और lesbian से ज्यादा है। बट द क्रॉस ड्रेसिंग, हर्माफ्रोडिटिज्म, जेंडर एम्बिग्युइटी एंड जेंडर करेक्टिव सर्जरी। अब यहाँ पे ये एक टर्म यूज हुआ है हर्माफ्रोडिटिज्म, ये जो ब्लू कलर में, हर्माफ्रोडिटिज्म मतलब है कि एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज कंप्लीट और पार्शियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूसेस gametes normally associated with both male and females sexes. तो ये जो basically hermaphrodite basically एक तरह के जो है ना वो person होता है, यानी कि plant में भी होता है, animal में भी होता है। This is an unusual word for unusual condition.
बीइंग अ बॉय एंड गर्ल एट द सेम टाइम. अगर इसको हम वन वर्ड में कहें तो बेसिकली ये अनयूजुअल कंडीशन है जिसमें एक शख्स एक ही टाइम में मेल वाली करेक्टरिस्टिक्स भी रख रहा होता है और फीमेल वाली करेक्टरिस्टिक्स भी रख रहा होता है. तो उसको जो है ना हर्माफ्रोडिट कहते हैं. तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्वीर थ्योरी का इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स क्वीर थ्योरी. इटालियन फेमिनिस्ट एंड फिल्म थ्योरिस्ट टेरेसा डी लियोनेटिस ने ये टर्म क्वीर जो है वो कॉइन किया था फॉर अ कॉन्फ्रेंस शी ऑर्गेनाइज्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज इन 1990 एंड अ स्पेशल इशू ऑफ डिफरेंस अ जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट कल्चरल स्टडीज. ये एक स्पेशल इशू था, जर्नल था एक डिफरेंस अ जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट कल्चरल स्टडीज. शी एडिटेड बेस्ड ऑन द कॉन्फ्रेंस, उसने कॉन्फ्रेंस की बेस्ड पे इसको एडिट किया था. क्वीर थ्योरी इज अ फील्ड ऑफ क्रिटिकल थ्योरी. ये क्रिटिकल थ्योरी की फील्ड है जो कि 1990s में इमर्ज हुई थी आउट ऑफ द फील्ड ऑफ क्वीर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज. बेसिकली ये क्वीर स्टडीज की फील्ड और वुमेन स्टडीज की फील्ड से ये निकली है. क्वीर थ्योरी इंक्लूड बोथ क्वीर रीडिंग्स ऑफ टेक्स्ट एंड द थ्योराइजिंग ऑफ क्वीरनेस. ये बेसिकली दोनों चीजों पे मुश्तमिल है. एक तो क्वीर रीडिंग्स ऑफ टेक्स्ट जो होते हैं, उसके बाद इसको थ्योराइजिंग का जो क्वीरनेस का प्रोसेस है उसमें ये इंक्लूड होता है. क्वीर थ्योरी हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ, अब क्वीर थ्योरी किसके वर्क से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई है? नंबर वन पे है लियोरेन बर्लेंट, लियो बरसानी, जोडिथ बटलर, ली एडिलमैन, जैक हेल्बर्स्टम, एव कोसोफ्स्के, सेग्विक. तो इनसे जो है ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई है. क्वीर थ्योरी बिल्ड्स बोथ अपॉन फेमिनिस्ट चैलेंज टू द आइडिया दैट जेंडर इज पार्ट ऑफ द एसेंशियल सेल्फ एंड अपॉन गे लेस्बियन स्टडीज क्लोजिंग एग्जामिनेशन ऑफ द सोशली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स एंड आइडेंटिटीज. क्वीरनेस हैज बीन एसोसिएटेड मोस्ट प्रोमिनेंटली विद bisexual, lesbian and gay subject, but its analytical framework also include both topic as cross-dressing, intersex bodies and identities, gender ambiguity and gender confirmation surgery. उसके बाद आता है queer theory holds the individual sexuality is a fluid. क्वीर थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल की सेक्सुअलिटी है वो फ्लूइड है, फ्रेगमेटिक है, डायनामिक है, कलेक्टिवली पॉसिबल सेक्सुअलिटीज एंड इट मे वेरी एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग वंस लाइफ. यानी कि ये डिफरेंट होती है, जब आप डिफरेंट स्टेजेस में होते हो तो ये डिफरेंट होती है, यानी कि जो सेक्सुअलिटी है वो डिफरेंट होती है. क्वीर थ्योरी आल्सो एग्जामिन्स द डिस्कोर्स ऑफ होमोसेक्सुअलिटी डेवलप्ड इन द लास्ट century in order to place the queer into historical context, deconstructing contemporary arguments both for and against this latest terminology. Queer theory jo hai wo also examine karti hai discourses of homosexuality ki jo ke last century mein develop hui hai, taki jo queer hai usko historical context mein dala ja sake, डीकंस्ट्रक्ट किया जा सके कॉन्टेम्प्रेरी आर्ग्यूमेंट्स को, डीकंस्ट्रक्ट उसके फेवर में भी किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में भी. ये जो टर्मिनोलॉजी हुई है क्वेयर, इसको नेक्स्ट कम्स द लेस. अब इसमें जो कंफ्यूजन है वो ये है कि जो गे और लेस्बियन स्टडीज हैं, बेसिकली कहा जाता है कि क्वेयर थ्योरी जो है वो गे एंड लेस्बियन की स्टडी है, लेकिन जो गे और लेस्बियन की स्टडी है उसका फोकस जो है वो इंक्वायरीज इनटू नेचुरल एंड अननेचुरल बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू होमोसेक्सुअल बिहेवियर वियर. तो उसका जो फोकस है लेस्बियन और गे स्टडीज का वो बेसिकली होमोसेक्सुअल बिहेवियर पे है, वो नेचुरल और अननेचुरल चीजों को देखते हैं. क्वीर थ्योरी एक्सपेंड्स इट्स फोकस टू इनकम्पेस any kind of sexual activity, जबकि जो क्वीर थ्योरी है वो इससे
आगे है, यानी कि लेस्बियन और गेज की स्टडीज से वो आगे है। वो बेसिकली क्या करती है, अपने अंदर जो है वो नॉर्मेटिव और डिवियंट कैटेगरीज को भी इंक्लूड करती है। अब इसके कुछ गोल्स हैं, यानी कि क्वीर थ्योरी का गोल क्या है। सबसे पहले नंबर पे है, क्वीर थ्योरी आल्सो ओवर आर्किंग गोल इज टू एक्ट एज अ लेंस और टूल टू डीकंस्ट्रक्ट द एग्जिस्टिंग मोनोलिथिक सोशल नॉर्म्स एंड टैक्सोनॉमीज। अब इसमें जो क्वीर थ्योरी है, इसका पहला गोल ये है कि एक्ट करे एज अ लेंस और टूल, ताकि डीकंस्ट्रक्ट हो सके एग्जिस्टिंग मोनोलिथिक और सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट कर सके। अब मोनोलिथिक क्या होता है? मोनोलिथिक मतलब किसी भी ऐसी बड़ी चीज को कहते हैं जो कि लार्ज हो और उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो। तो ऐसे सोशल नॉर्म्स को डीकंस्ट्रक्ट करना, और जो अपना ये टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी कहते हैं अ सिस्टम फॉर नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ग्रुप्स दैट शेयर सिमिलर क्वालिटीज, यानी कि कैटेगराइज करना, कैटेगराइज कर देना सिमिलर चीजों को, एक ही ग्रुप में डाल देना। तो इन चीजों को जो है ना डीकंस्ट्रक्ट, यानी कि मेल को एक ही ग्रुप में डाल देना और फीमेल को एक ही ग्रुप में डाल देना। तो इस ये जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं और ये जो टैक्सोनॉमीज हैं, इनको डीकंस्ट्रक्ट करने का काम जो है वो क्वेर थ्योरी का है। और फिर ये इन्वेस्टिगेट करता है हाउ एंड व्हाई दे केम इनटू बीइंग। और ये जो मोनोलिथिक नॉर्म्स हैं या जो ये जो टैक्सोनॉमीज हैं, क्वेर थ्योरी इस चीज को भी बताती है कि ये चीजें जो है कैसे वजूद में आई हैं, यानी कि मेल और फीमेल की जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे आई है। द व्यू इज दैट दीज नोशंस एंड नॉर्म्स आर रिजिड ऑर्गेनाइजिंग कैटेगरीज दैट डू नॉट सफिशेंटली एक्सप्लेन डिफरेंट एटीट्यूड्स बिहेवियर्स और कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। अच्छा, उसके बाद सेकेंड गोल है, द ऑथर्स एनालाइज द कोरिलेशन बिटवीन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ऑथर क्वीर थ्योरी में इस चीज को भी एनालाइज करते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिफिकेशन में कोरिलेशंस क्या है अक्रॉस मल्टीपल फैसेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड प्रिविलेजेस। तीसरे नंबर पे है, फेमिनिस्ट एंड क्वीर थ्योरी आर सीन एज एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट्स दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू एक्सप्लोर। बेसिकली ये जो फेमिनिस्ट और क्वीर थ्योरी है, ये बेसिकली एक एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं जो के प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क कि हमने इसको एक्सप्लोर कैसे करना है। एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि किसी भी चीज को कैसे एक्सप्लोर करना है आपने। दीज इश्यूज रादर देन एज एन आइडेंटिटी टू दोज इन द कम्युनिटी। अच्छा, क्वेर इज एन अम्ब्रेला टर्म। बेसिकली क्वेर जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर दोज नॉट ओनली डीम्ड, डीम्ड मतलब कंसीडर्ड सेक्सुअली डिवियंट, बट आल्सो हु फील मार्जिनलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड सोशल प्रैक्टिसेस। उसके बाद अगला गोल है हमारे पास पांचवा, जो क्वीर इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कल्चर एंड थ्योरेटिकल प्रेशर विच इंक्रीजिंगली स्ट्रक्चर्ड डिबेट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ लेस्बियन एंड गे आइडेंटिटी। उसके बाद पांचवा गोल ये है क्वीर थ्योरी का कि ये क्वेश्चन करता है लेस्बियन और गे की आइडेंटिटी के बारे में। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्वीर थ्योरी जो है, क्वेर थ्योरी पर किस किस चीज का इन्फ्लुएंस रहा है, यानी कि किस किस चीज से इसने इन्फ्लुएंस लिया है, ये कैसे जो है ऐसी कौन सी जो चीजें हैं जिसने क्वेर थ्योरी को जो है वो असरअंदाज किया, उस पर रिफ्लेक्शन छोड़ा है। तो सबसे पहले है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी एंड डीकंस्ट्रक्शन। क्वेर थ्योरी इज डिराइव लार्जली फ्रॉम पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी एंड डीकंस्ट्रक्शन इन पर्टिकुलर, यानी ज्यादातर इसने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी से लिया है और पर्टिकुलर चीजें जो है उसने डीकंस्ट्रक्शन से अडॉप्ट की है। क्वीर थ्योरी वुड सजेस्ट दैट हिस्ट्री बी अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन। क्वीर थ्योरी कहती है, सजेस्ट करती है कि हिस्ट्री जो है एक प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है। स्टार्टिंग इन द 1970s अ रेंज ऑफ ऑथर्स ब्रॉट डीकंस्ट्रक्शनिस्ट क्रिटिकल अप्रोचेस टू बियर एन इश्यू ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी स्पेशली हेट्रोनॉर्मेटिविटी एंड नॉन हेट्रोनॉर्मेटिविटी नॉर्मेटिव सेक्सुअलिटी। बेसिकली 1970s में जो ऑथर्स थे उन्होंने डीकंस्ट्रक्शनिस्ट क्रिटिकल अप्रोचेस को क्वेर में इस्तेमाल किया था कि वो अंडरस्टैंड कर सके हेट्रोनॉर्मेटिविटी को।
अब हेट्रोनॉर्मेटिविटी एक बिलीफ होता है दैट हेट्रोसेक्सुअलिटी प्रिडिक्टेड ऑन द जेंडर बाइनरी, ये जेंडर बाइनरी को प्रिडिक्ट करता है। इसमें एज्यूम किया जाता है कि सेक्सुअल और मैरिटल रिलेशनशिप आर मोस्ट फिटिंग बिटवीन पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि हेट्रोनॉर्मेटिव ये एज्यूम करता है कि जो अपोजिट सेक्स है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डीकंस्ट्रक्टिविस्ट को इस यहाँ पर यूज किया जाता है ऑथर्स के तहत कि वो इस चीज को एनालाइज कर सके। तो एक आर्टिकल है जो जिसमें इन द पॉलिटिक्स ऑफ इनसाइड आउट, फर्स्ट उसमें जो है उसका जो राइटर है फर्स्ट वो असर्ट करता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग आउट, उसमें वो कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग आउट एंड बीइंग विजिबल हैज बीन नॉर्मलाइज्ड व्हाइल साइमल्टेनियसली कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसअपीयरेंस ऑफ क्वेयरनेस बाय डिक्लेयरिंग वनसेल्फ टू बी विजिबल एंड आउट वन डिक्लेयर्स दोज हु आर नॉट टू बी इनविजिबल। तो ये उसका एक आर्ग्यूमेंट था। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डिसेबिलिटी थ्योरी एंड क्वेयर थ्योरी। अब ये जो डिसेबिलिटी थ्योरी है उसने भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया क्वेयर थ्योरी को। इन रॉबर्ट मैकरोज की जो क्रिप्ट थ्योरी है ही मेंशन द इंटरसेक्शन बिटवीन डिसेबिलिटी थ्योरी एंड क्वेयर थ्योरी। जो रॉबर्ट मैकरोज है वो अपनी क्रिप्ट थ्योरी में इंटरसेक्शन बताता है डिसेबिलिटी थ्योरी और क्वेयर थ्योरी का कि कैसे वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और उनके अपनी कैसे एक एसोसिएशन है एक दूसरे के साथ। फॉर इंस्टेंस द कनेक्शन बिटवीन अपहोल्डिंग एंड एबल बॉडीड आइडेंटिटी एंड हेट्रोसेक्सुअलिटी। फॉर एग्जांपल जो कनेक्शन है यानी कि एबल बॉडीड आइडेंटिटी का और हेट्रोसेक्सुअलिटी का, इनका जो कनेक्शन है वो ये बताता है, वो आर्ग्यू करता है, यानी कि रॉबर्ट मैकरोज आर्ग्यू करता है कि एन एबल बॉडीड आइडेंटिटी फंक्शंस एज मोर ऑफ अ सबकॉन्शियस मेंटेलिटी ऑफ नॉर्मेलिटी देन हेट्रोसेक्सुअलिटी। यानी कि इसमें जो मैकरोज है वो ये कहता है कि जो एक एबल बॉडीड आइडेंटिटी के जो फंक्शंस होते हैं वो ज्यादा जो है सबकॉन्शियसली परफॉर्म किए जाते हैं एज कंपेयर टू हेट्रोसेक्सुअलिटी के। हेट्रोसेक्सुअलिटी जो है ना वो कॉन्शियसली परफॉर्म नहीं होती है। इसमें मैकरोज आर्ग्यू करता है कि देयर इज अ सिस्टम दैट इज एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश दोज हु आर एबल बॉडीड फ्रॉम दोज हु हैव डिसएबिलिटीज। तो ये इस चीज को डिस्टिंग्विश करता है, दैट डिस्टिंक्शन दैट वाज इंस्टीट्यूटेड द डिसएबिलिटी कॉन्सेप्ट, जो कि डिसएबिलिटी कॉन्सेप्ट को बयान करता है। द फंक्शंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एबल बॉडी इज यूटिलाइज्ड एज एन एडिशनल टूल टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड हेट्रोनॉर्मेटिविटी। इसका जो फंक्शंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एबल बॉडीड है वो यूटिलाइज किया जाता है एज एन एडिशनल टूल टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड हेट्रोनॉर्मेटिविटी। अब इसमें वो कहना ये चाहता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ एबल बॉडीडनेस है वो बेसिकली एक एडिशनल टूल है, वो एडिशनल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इस चीज को जो है अपना जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है या हेट्रोनॉर्मेटिविटी है उसके कॉन्सेप्ट को मेंटेन किया जा सके और उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। उसके बाद जिस चीज तीसरे नंबर पर जिस चीज ने अपना क्वेयर थ्योरी को इन्फ्लुएंस किया वो है रिकग्निशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी की जो रिकग्निशन है उसने भी बड़े पैमाने पर जो है वो असरअंदाज किया। इन द लेट 1970s एंड 1980s प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रिकग्निशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी लेड टू वाइड स्प्रेड एक्टिविज्म। तो इसकी जो रिकग्निशन है उसने रिकग्निशन वाइड स्प्रेड एक्टिविज्म शुरू हो गया 1970s और 80s में। तो इससे क्या हुआ कि एक बढ़ोतरी मिली अपनी क्वेयर थ्योरी को और उस पर उसने इन्फ्लुएंस किया जिसमें डिफरेंट जेंडर्स को फिर इंक्लूड किया गया इसमें। चौथे नंबर पे है द गे लिबरेशन फ्रंट इन 1970। गे लिबरेशन फ्रंट वाज बोर्न इन 1970 इन ब्रिटेन एंड इट अलोंग विद अदर कैंपेन सच एज कैंपेन फॉर होमोसेक्सुअल इक्वालिटी बिगेन टू वर्क फॉर लॉ रिफॉर्म्स। यानी कि ये जो लिबरेशन बनी 1970 में इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया क्वेयर थ्योरी पे। वो इस तरह के इसके बाद जो है ना वो लॉज बनना शुरू हो गए, लॉ के लेवल पर रिफॉर्म आना शुरू हुई
तो इसलिए इसने भी क्वेर थ्योरी पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद जो जिसने इन्फ्लुएंस किया वो था HIV और एड्स, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। कैसे? पब्लिक पॉलिसीज इन द 1980s वर सिलेक्टिवली ब्लाइंड टू द प्लाइट ऑफ गे मैन हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड एड्स। अब जो पब्लिक पॉलिसीज थी 1980s में, स्पेशली इन ब्रिटेन और USA, तो वो क्या कर रहे थे, बेसिकली प्लाइट कर रहे थे गेज को, तो उनमें एड्स हो गया। तो तकरीबन उस टाइम 20,000 गे जो है वो 1987 में वो फोर्थ हो गए थे सिविलियंस। तो दिस लेड टू सेटिंग अप ऑफ इनफॉर्मल एंड नॉन गवर्नमेंटल हेल्थ सेंटर्स। फिर जब इतने लोग मरे तो इसने क्या किया कि इनफॉर्मल और नॉन गवर्नमेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाए गए सिविलियंस के तहत। लाइक द वुमेन ऑफ द सेकेंड वेव, दीज गे इंडिविजुअल्स वर इंसेंस्ड बाय द कैजुअल एटीट्यूड शोन बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह जो है फिर इसने भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि एनजीओस बनी और फिर एक वर्ल्ड वाइड जो है एक मूवमेंट शुरू हुई। तो इसने जो है वो क्वेर थ्योरी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब हम इसमें से जो चीज देखेंगे वो ये कि फेमिनिज्म एंड क्वेर थ्योरी, अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं वो हम देखेंगे। तो क्वेर और फेमिनिस्ट थ्योरीज लाइक अदर पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन सोशली बेस्ड आइडेंटिटीज एंड जेंडर टेंड टू ओवरलैप, ये बेसिकली ओवरलैप करते हैं। बोथ ऑफ दीज थ्योरीज आर डिस्क्राइब एज रिस्पॉन्स टू द एसेंशियलाइजिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटीज। तो ये बेसिकली दोनों जो थ्योरी है वो डिस्क्राइब की जाती है एज अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसका? एसेंशियलाइजिंग का। अब एसेंशियलिज्म क्या होता है कि इसमें एसेंशियलिज्म बेसिकली एक थ्योरी है। एसेंशियलिज्म थ्योरी में ये होता है कि एवरी एंटिटी हैज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर नेसेसरी टू इट्स आइडेंटिटी, यानी कि हर एंटिटी जो है वो कुछ खसूसियात रखती है जो उसकी आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये एसेंशियलिज्म थ्योरी में होता है, उसी से वर्ड ये यूज किया गया है एसेंशियलाइजिंग ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी विच लेड टू द ऑपरेशन ऑफ दोज हु डू नॉट कंफर्म टू सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स। तो उसमें हम सिमिलैरिटी देखते हैं। सिमिलैरिटी इन द व्यू ऑफ जेंडर रिलेटेड आइडेंटिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो पहले तो ये कि दोनों चीजें, दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि जो आइडेंटिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। देयर इज एन एग्रीमेंट दैट ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड सेक्सुअल माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन बी चैलेंज्ड बाय द वे ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट रिजेक्ट द परसीव्ड इंफीरियोरिटी ऑफ दिस ग्रुप विद इन द सोशल ऑर्डर। अब दूसरे नंबर पर सिमिलैरिटी ये है कि ये जो ऑपरेशन है उसको चैलेंज किया जा सकता है सेल्फ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के तहत, जो कि रिजेक्ट करता है परसीव्ड इंफीरियोरिटी को, यानी कि जो इंफीरियोरिटी दिखाई जा रही है उसको ये रिजेक्शन उसकी शो की जाती है एक सोशल ऑर्डर में। तो ये दोनों इस चीज में भी बिलीव करते हैं। उसके बाद व्हेन व्हाइल क्वेर एंड फेमिनिस्ट थ्योरीज शेयर सेवरल कॉमनलिटीज दिस डज नॉट मीन दैट दे आर एसेंशियली कॉमेंसरेबल विद सम थिंकर्स citing that they could even be an awkward pair. अब इसमें यह कहा जाता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनमें commonalities हैं तो उनको commensurable किया जाए। commensurable मतलब एक ही तरह मैयर किया जाए, उनको एक ही पेयर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसमें यह बात करता है, अगर वो कुछ थिंकर ये कहते हैं कि अगर इनको commensurable किया जाए तो ये एक awkward pair होगा, यानी कि आप इनको सिमिलर नहीं करार दे सकते हो। One overlap of queer theory and feminist theory is through the recognition and influence of Judith Butler. एक और overlap जो queer theory और feminist theory में है वो ये है कि इसमें जो influence है वो Judith Butler और Butler की जो cultivation of the relationship of gender and sexuality है that has come to form the basis of queer theory concerns. एक और जो relation है वो है अपना जुडिथ बटलर का। जुडिथ बटलर दोनों में रोल प्ले करता है। जुडिथ बटलर ने जो है इस थ्योरी की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्वेर थ्योरी की डेवलपमेंट में। तो ये तीन जो है वो सिमिलैरिटीज हैं
तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है ना आप इजीली कमेंसरेबल कर लो, यानी कि इजीली मेजर कर लो। तो थिंकर कहते हैं कि अगर इन सिमिलरिटी उसको देख करके अगर आप उनको एक मानते हो, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो ये अगर पेयर बन गया तो ये एक ऑकवर्ड पेयर बनेगा। अब उनके बाद डिफरेंस भी है इन दोनों में। अब ये अगर सेम एक नहीं है, कॉमन्सरेबल पेयर नहीं बनाया जा सकता, तो क्यों नहीं बनाया जा सकता? अ की डिफरेंस बिटवीन द क्वेयर एंड फेमिनिस्ट थ्योरी इन्वॉल्व्स द रिस्पेक्टिव स्कोप। इनके स्कोप में बहुत बड़ा फर्क है। फेमिनिस्ट थ्योरी इज ओनली कंसर्न अबाउट द इश्यूज अफेक्टिंग वुमेन एंड एम्पावरमेंट। जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो उसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली वुमेन से और उसकी एम्पावरमेंट से इसका ताल्लुक है, जबकि द सब्जेक्ट्स ऑफ क्वेयर थ्योरी आर डाइवर्स एंड इंक्लूड वुमेन। जबकि जो क्वेयर थ्योरी है उसका जो स्कोप है वो डाइवर्स है, उसमें वुमेन शामिल है, होमोसेक्सुअल शामिल है, ट्रांससेक्सुअल शामिल है, और वो भी जो कि इनसे डिवियंट माने जाते हैं वो भी इसमें शामिल है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री, एवोल्यूशन ऑफ क्वेयर थ्योरी। बेसिकली ये जो क्वेयर थ्योरी का वजूद है ये कैसे आया? सबसे पहले इसमें जो है वो गे वर्सेस क्वेयर, तो इस ये जो डिबेट है गे वर्सेस क्वेयर, इसने फ्यूल किया डिबेट को। गे वर्सेस क्वेयर फ्यूल्ड डिबेट बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ एकेडमिया अबाउट एलजीबीटी आइडेंटिटी। इसने जो है ना एक डिबेट थी उसने बेसिकली जो है ना इशू को हाईलाइट किया। द इंडिपेंडेंस ऑफ क्वेयर फ्रॉम गे केम फ्रॉम द अलाइनमेंट ऑफ गे आइडियल्स विद असिमिलेशन एंड कंजर्वेटिविज्म, व्हाइल क्वेयर कंसीडेड कोइंसिडेड विद अ रेडिकल अप्रोच। जो क्वेयर है उसका ताल्लुक जो है वो रेडिकल अप्रोच के साथ है, जबकि गे जो है ना वो बेसिकली गे आइडियल्स या असिमिलेशन और कंजर्वेटिविज्म से आया है। गे का जो है असिमिलेशनिस्ट सा नथिंग रॉन्ग विद सोसाइटी, उनको सोसाइटी से कोई मसला नहीं था। जो असिमिलेशनिस्ट थे यानी कि एक होने वाले थे, उनको कोई मसला नहीं था। क्वेयर रेडिकल्स जो थे उन्होंने क्या किया, एस्पायर टू अचीव नथिंग इन रेफरेंस टू द स्टेटस को बिकॉज सोसाइटल एक्सेप्टेंस इज नॉट इसेंशियल, बिकॉज सोसाइटी इज अनएक्सेप्टेबल। बल्कि जो रेडिकल थे वो कहते थे कि सोसाइटी से एक्सेप्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, वो सोसाइटी किसी चीज को एक्सेप्ट करती ही नहीं है, नई चीज को या डिफरेंट चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसकी स्टडी शुरू हुई। जो फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट जिसने होमोसेक्सुअलिटी को पढ़ा था वो जोसिया फ्लेंट था, उसने बेसिकली सबसे पहले होमोसेक्सुअलिटी को पढ़ा। उसके बाद आए सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट। अब मोस्ट रिसेंटली जो 1970s और 80s में सोशल कंस्ट्रक्ट थे उन्होंने कंसीव किया ऑफ द सेक्सुअल सब्जेक्ट एज कल्चरली डिपेंडेंट। उन्होंने क्या देखा कि ये जो सेक्सुअल सब्जेक्ट है ये बेसिकली कल्चरली डिपेंडेंट है और हिस्टोरिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। बेसिकली ये जो हमारे पास एक सोशल कंस्ट्रक्शन ने ये देखा कि ये जो सेक्सुअल सब्जेक्ट है ये कल्चरली डिपेंडेंट है और हिस्ट्री के जरिए ये पैदा हुआ है। उसके बाद अगली जो डेवलपमेंट जिसने क्वेयर को डेवलप किया, क्वेयर थ्योरी को, वो है क्वेयर नेशन। बिफोर द फ्रेज क्वेयर थ्योरी वाज बोर्न द टर्म क्वेयर नेशन। ये बेसिकली अपीयर हुआ था ऑन द कवर ऑफ शॉर्ट लिव्ड लेस्बियन गे क्वार्टर, यानी कि लेस्बियन और गे का जो क्वार्टर था उसका नाम था आउटलुक इन द विंटर 1991 इशू, उसमें ये जो क्वेयर नेशन है ये वर्ड यूज हुआ था। राइटर्स एलन ब्रॉबे एंड जेफरी एस्कोफेर ड्रोव होम द पॉइंट दैट क्वेयर नेशन ड्रोव टू एम्ब्रेस पैराडॉक्स इन द पॉलिटिकल एक्टिविज्म। इसने पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए ड्रॉप किया है एंड दैट द एक्टिविज्म वाज टेकन न्यू फॉर्म एंड रिवॉल्विंग अराउंड द इशू ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के इशू के जो अराउंड है वो रिवॉल्व कर रहा था। सून इनफ आउटलुक, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आउटलुक और क्वेयर नेशन है ये जो है ना पब्लिश होना बंद हो गया। ये जो मैगजीन, ये जो जर्नल था, ये पब्लिश होना बंद हो गया। उसके बाद इसने जो है वो इस तरह कंट्रीब्यूट किया कि यहाँ से क्वेयर नेशन जो है ना
और ये एक डेवलपमेंट थी क्वेर थ्योरी की, ये बेसिकली प्रियम्बल है, क्वेर थ्योरी जो वर्ड है उसका प्रियम्बल है। अब मिनी गे रेनाइसेंस, उसके बाद 1980s में एक मिनी गे रेनाइसेंस शुरू हुआ, और 1990s में ये हुआ, देयर वर अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आउटबर्स्ट ऑफ लेस्बियन गे पॉलिटिकल कल्चरल एक्टिविटी। यहाँ पर जो है बहुत सारी लेस्बियन गे की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है कल्चरल, वो शुरू हुई। आउट ऑफ दिस इमर्ज्ड क्वेर थ्योरी, इससे क्वेर थ्योरी इमर्ज हुई, यानी कि जो मिनी रेनाइसेंस गे है उससे रेनाइसेंस थ्योरी इमर्ज हुई। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद क्वेर थ्योरी इमर्ज होती है। उसके बाद टेरेसा डी लॉरेटिस ने इज अक्रेडिट विद कॉइनिंग द फ्रेज क्वेर थ्योरी। इट वॉज एट अ वर्किंग कॉन्फ्रेंस ऑन लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटीज दैट वॉज हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज इन फरवरी 1990। दैट डी लॉरेटिस फर्स्ट मेड मेंशन ऑफ द फ्रेज, यानी कि फर्स्ट टाइम ये फ्रेज 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में यूज हुई, और ये यूज जो है वो टेरेसा डी लॉरेटिस ने की थी। उसके बाद शी लेटर इंट्रोड्यूस द फ्रेज इन 1991 स्पेशल इशू ऑफ, उसके बाद 1990 के बाद उसने दोबारा ये टर्म यूज किया, इशू ऑफ डिफरेंस जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट कल्चरल स्टडीज, उसका टाइटल था क्वेर थ्योरी लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटी। एक जर्नल था डिफरेंस जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट कल्चरल स्टडीज, वहां पर उसका टाइटल था क्वेर थ्योरी लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटी। यहाँ पर दोबारा जो टेरेसा डी लॉरेटिस है उसने ये वर्ड दोबारा यूज किया। टेरेसा डी लॉरेटिस असर्टेड दैट क्वेर अनसेटल्स एंड क्वेश्चंस द जेंडरनेस ऑफ सेक्सुअलिटी। डी लॉरेटिस असर्ट करती है कि क्वेर जो है वो अनसेटल करता है और क्वेश्चन करता है द जेंडरनेस ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी कि जेंडरनेस ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में वो क्वेश्चन रेज करता है और इसको अनसेटल करता है। बार्ले थ्री इयर्स लेटर शी अबेंडेंड द फ्रेज ऑन द ग्राउंड्स दैट इट हैड बीन टेकन ओवर बाय दोज मेनस्ट्रीम फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस इट वाज कॉइंड टू रेजिस्ट। जुडिथ बटलर, यानी कि उसके बाद जुडिथ बटलर जिसने जेंडर ट्रबल के सेक्विक उसने लिखी थी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेस, और डेविड हेल्परिन 100 इयर्स ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इंस्पायर्ड अदर वर्क्स। जब उसके बाद ये जब चीजें काम हुई, यानी कि जेंडर ट्रबल आया, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ क्लोजेस हुआ, 100 ईयर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी हुआ, तो इससे क्या हुआ कि क्वेर जो थ्योरी है वो डेवलप हुई। टेरेसा डी लॉरेटिस, जुडिथ बटलर, एव सेडविक, उन्होंने क्या किया कि अरेंज्ड मच ऑफ द कॉन्सेप्चुअल बेस ऑफ द इमर्जिंग फील्ड इन 1990। उन्होंने बेस बनाई, एक इमर्जिंग फील्ड की बेस बनाई, अलोंग विद अदर क्वेर थ्योरिस्ट दीज थ्री आउटलाइन अ पॉलिटिकल हर्मेन्यूटिक्स विच एम्फेसाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। दीज स्कॉलर्स क्वेश्चन्ड whether people of varying sexual orientation had the same political goal. तो इन scholars ने basically question ये raise किया कि जो different अपना sexual orientation है कि उनका जो political goal है वो same है, and whether those in the sexual minority, और उन आया कि वो भी जिनकी जो sexual minority में है felt that they could be represented along with others of different sexuality and orientations. तो basically उनके बारे में इन्होंने questions raise किए, जो जो gender minorities, यानी कि जो sexual minorities हैं, या फिर जो various sexual orientations हैं, उनके बारे में जो है उन्होंने questions raise किए, और इनके बारे में उन्होंने सोचा कि क्या उनके भी political goals वैसे ही हैं जैसे जो prominent जैसे male और female groups के हैं या male groups के हैं। उसके बाद क्वेर थ्योरी इन पास्ट 20 इयर्स, अब हम देखते हैं कि फिर क्वेर थ्योरी की डेवलपमेंट में कि जो पास्ट 20 इयर्स हैं उसमें इंक्रीजिंगली बीन अप्लाइड नॉट जस्ट टू कंटेंपरेरी सेक्सुअलिटीज एंड आइडेंटिटीज बट आल्सो टू प्रैक्टिसेस एंड आइडेंटिटीज इन अर्लियर टाइम पीरियड्स।
Examination of Renaissance culture and literature, for example, has generated significant scholarship in the past 20 years. तो ये जो है past 20 years में हो रहा है इसमें. अब हम देखते हैं कि क्वीर थ्योरी को दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया. सबसे पहले यूएसए, यूएसए में मार्टिन मनालेसन फोकसेस ऑन द गे कम्युनिटी इन न्यूयॉर्क. जो मार्टिन मनालेसन है वो फोकस करती है गे कम्युनिटी इन न्यूयॉर्क सिटी में, मोस्ट स्पेसिफिकली इन मैनहट्टन. अब मैनहट्टन एक कम्युनिटी है जो न्यूयॉर्क में रहती है, यानी कि एक किस्म का ग्रुप है जो न्यूयॉर्क में रहता है, उसको मैनहट्टन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू मेलानेसन, न्यूयॉर्क सिटी इज नाउन टू बी अ गे मक्का. गे मक्का का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जहां पर फ्रेंडली तरीके से रहते हो, यानी कि एक अच्छी जगह उनके लिए. हाउएवर दिस पोर्ट्रेयल इन फोकसिंग ऑन मैनहट्टन सेंटर्स वाइट मिडिल अपर क्लास मैन. बेसिकली जो मैनहट्टन है वो बेसिकली जो है वो क्या, वो जो जो अकॉर्डिंग टू मेलानेसियन है, न्यूयॉर्क जो है वो बेसिकली गे मक्का माना जाता है. ये जो है पोर्ट्रेल है फोकस करता है सेंटर्स वाइट का, यानी कि जो वाइट क्लास है उसका, मिडिल और अपर क्लास मैन है उनको जो है ना ये हाईलाइट करता है. The gay community in New York is known to be held exclusively in Manhattan, as this is the area that most people who are not from New York City now, people who are outside of the heart of Manhattan and the gay community, they are literally out there. Those who are of different races, gender, or class occupy different spaces and communities which seldom overlap. उसके बाद यूएसए में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई इसके रिलेटेड. इन 1993 में आया कि डोंट आस्क डोंट टेल ला आया. ये बेसिकली क्या कर रहा था कि फॉरबिडिंग होमोसेक्सुअल पीपल फॉर सर्विंग ओपनली इन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री. तो इसमें ये ला आया था कि भाई जो होमोसेक्सुअल हैं वो ओपनली मिलिट्री में सर्व नहीं कर सकते. यानी कि आपने जो है किसी को डोंट टेल लॉ फॉरबिडिंग होमोसेक्सुअल पीपल फ्रॉम सर्विंग ओपनली इन यूनाइटेड स्टेट. बेसिकली 1993 में ये हुआ था कि एक लॉ पास हुआ था डोंट आस्क डोंट टेल. उसमें ये था कि कोई भी शख्स खुद को होमोसेक्सुअल ओपनली डिक्लेयर करके आर्मी में सर्व नहीं कर सकता. फिर इस लॉ को 2010 में रिप्लेस कर दिया गया था. 2003 में अमेरिका में सोडोमी लॉ जो है उसको नलिफाई कर दिया गया था 50 के 50 स्टेट्स में. उसके बाद 2012 में क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट्स ऑफिस ऑफ फेयर हाउसिंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इश्यूड अ रेगुलेशन टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन फेडरली असिस्टेड हाउसिंग प्रोग्राम्स. यानी कि जो फेडरली असिस्टेड हाउसिंग प्रोग्राम है उसमें चीज खत्म कर दी गई थी. द न्यू रेगुलेशन इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट्स कोर हाउसिंग प्रोग्राम्स आर ओपन टू ऑल एलिजिबल पर्सन. यानी कि इसमें जो हाउसिंग स्कीम है वो सबके लिए ओपन कर दी गई थी, यानी कि उसमें जेंडर को नहीं देखा जाएगा. ऑन June 26, 2015 इन ओबर ओबरफेल वर्सेस हॉजेस, द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल 4-5 that the constitution requires that same sex couple be allowed to marry no matter where they live in the United States. 2015 में ओबरफेल वर्सेस हॉजेस जो के यूएस में एक लॉ पास किया गया था कि इसमें यह कहा गया था कि जो सेम सेक्स है वो मैरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं. With this ruling the United States became the 17th country to legalize same-sex marriage entirely. तो इस लॉ को पास करते ही 2015 में अमेरिका वो 15वां मुल्क बन गया जिसने same-sex marriages अलाउ कर दी थी. इजराइल, अब इजराइल के बारे में ये है कि इजराइल के बारे में एक आर्टिकल लिखा है अपना उसने
जेस्पर पॉर ने, उसमें इसने बेसिकली बताया है कि ये जो इसराइल है ये बेसिकली क्या करता है, फायदा उठाता है, बेसिकली खुद को डिक्लेयर करके कि हम इनको राइट दे रहे हैं, ये उनसे फायदा उठा रहा है। फायदा कैसे उठा रहा है, उनके लिए एक टर्म यूज होती है पिंक वॉशिंग। पिंक वॉशिंग बेसिकली उस कंट्री को कहा जाता है जो क्या करते हैं कि एलजीबीटी के थ्रू जो एड्स के जो फैलाया जाता है उससे फायदा उठाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैस्पर पॉल, इसराइल उन कंट्रीज में से है जो इनको मैनिपुलेट करता है, इनको एक्सप्लोइट करके इनसे फायदा उठाता है। तो इसराइल की ये कंडीशन एक आर्टिकल में बताई गई है, इसराइल्स गे प्रोपेगेंडा वॉर। तो उसमें जैस्पर पॉल कहते हैं कि ये जो है बेसिकली इसराइल जो है वो हाइपोक्रेसी रखता है उनके बारे में। उसके बाद जर्मनी, इन क्वेर इंजरीज द रेडिकल पॉलिटिक्स ऑफ होमोफोबिक हेट क्राइम इन जर्मनी। इसमें जिन हैरिट वॉन वो क्या कॉल्स अटेंशन टू द ट्रेड ऑफ बिटवीन द पासिंग ऑफ एंटी हेट लेजिस्लेशन। इन दिस पीस हैरिट वॉन एग्जामाइन द प्रॉब्लम विद हेट क्राइम लेजिस्लेशन इन जर्मनी एंड हाउ रेसिस्ट व्यू आर स्टिल मैनिफेस्टेड इन एंटी हेट क्राइम लॉज एंड हैव रेशल रेमिफिकेशंस। द मूव ऑफ एलजीबीटी एक्टिविज्म इनटू द जुडिशियल स्फीयर इनेबल्स पुलिस एंड मिलिट्री सिस्टम्स टू री इन्वेंट देमसेल्फ एज द प्रोटेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज व्हाइल पुलिस एक्टिविटी टारगेटिंग रेशलाइज्ड पॉपुलेशन इज रीचिंग न्यूली हाइट्स। उसके बाद है इनकॉर्पोरेटिंग क्रिमिनल जस्टिस एनालिसिस इनटू सेक्सुअल जस्टिस नैरेटिव्स। हैरिटा वॉन फाइंड्स दैट इंटरनेशनली एलजीबीटी एंटी हेट लेजिस्लेशन स्टिल मार्जिनलाइजेस एंड रिप्रेसेस अदर माइनॉरिटीज बाय फोर्सिंग विक्टिम परपेट्रेटर्स नैरेटिव्स दैट टारगेट सर्टेन ग्रुप्स। तो इसमें ये बेसिकली कहा जाता है कि सर्टेन ग्रुप को फिर जो है ना टारगेट किया जाता है, फिर उनको मार्जिनलाइज किया जाता है जर्मनी में। तो ये बात अपना जिन हैरिट वॉन ने अपने आर्टिकल क्वीन इंजरीज द रेशियल पॉलिटिक्स ऑफ होमोफोबिक हेट क्राइम इन जर्मनी में, उसने ये बात की है कि जो जर्मन है उसमें एक 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 हेट का एलिमेंट पाया जाता है जो एलजीबीटीज हैं उनके लिए, उनमें डिस्क्रिमिनेशन है। साउथ अफ्रीका, इन इंपेरियलिज्म विद अफ्रीका द मार्जिन क्वीर रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर इन साउथ अफ्रीका। इसमें विलियम स्पर्लिन स्पीक्स अबाउट द सेक्सुअल पॉलिटिक्स दैट हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ पोस्ट अपार्थेड साउथ अफ्रीका। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली पोस्ट अपार्थेड साउथ अफ्रीका एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है वो इमर्ज हुई थी अकॉर्डिंग टू विलियम स्पर्लिन। स्पर्लिन लुक इनटू द टेक्सचुअल एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम सेक्स डिजायर आउटसाइड ऑफ द यूरो अमेरिकन एक्सेस ऑफ क्वेर कल्चर्स एंड पॉलिटिक्स। बेसिकली जो स्पर्लिन है उसने देखा जो सेम सेक्स की जो पॉलिटिक्स है या जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उसने इसको अमेरिका के बाहर जो है ना वो एनालाइज किया। तो उसने साउथ अफ्रीका पे ये काम किया था। तो साउथ अफ्रीका वो पहला मुल्क था जिसने सेम सेक्स मैरिज 2006 में अलाउ की थी और वो अफ्रीकन नेशन का पहला मुल्क था। अब तक जो है ना वो पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसमें सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल है। उसके बाद फिलिपाइन में इम्यूनल डेविड रिसर्चेस ट्रांसजेंडर पीपल। इम्यूनल डेविड ने ट्रांसजेंडर पीपल पर रिसर्च की, प्राइमरीली उसने ट्रांस वुमेन पर रिसर्च की इन कॉल सेंटर, जो कॉल सेंटर में वुमेन्स थी यानी कि उन पर इसने रिसर्च की थी। इन दीज स्पेसेस डेविड फाइंड्स दैट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस आर इंटीग्रेटिंग ट्रांस वुमेन इनटू वर्कफोर्स इन अ वे that both requires them to perform gender labor and partake in the new liberal capitalist system as members of the periphery. In this article, purple collar labor, yani ke purple collar labor, uske article ka naam hai transgender workers and queer
value at Global Call Center in the Philippines. David outlines how transgender Filipina call center workers, basically उसकी जो डेविड की जो रिसर्च थी वो बेसिकली कॉल सेंटर पे थी. उस कॉल सेंटर का नाम था फिलिपाइना कॉल सेंटर वर्कर्स. तो वहां पर उसने वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप मोरल अप बाय परफॉर्मिंग इन फैशन शोज, स्टेइंग हैप्पी एंड जॉकिंग अराउंड विद देयर टीम मेंबर्स, ऑल फॉर द सेक ऑफ वर्कर प्रोडक्टिविटी. वर्कर प्रोडक्टिविटी के लिए उनमें जॉकिंग होती थी और उनमें जो है ना मतलब एक परफॉर्मेंस, मोरल अप परफॉर्मेंस होती थी. ही शोज दैट ट्रांस वुमेन हु डू नॉट अपहोल्ड दीज स्टैंडर्ड्स आर हु आर नॉट एक्सट्रोवर्टेड इन देयर वर्क इंटरेक्शंस आर नॉट एज एक्सेप्टेड इन देयर जेंडर आइडेंटिटी. यानी कि जो औरतें उनमें से ट्रांस वुमेन जो है एक्सट्रोवर्ट या उनमें ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था तो वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो फिट नहीं मानी जाती थी एज अ ट्रांस वुमेन वर्कर who are openly flamboyant and funny, yani ki as compared to jo openly flamboyant or funny hai. This research highlights a portion of the queer community outside of the core upper class white male US urban population and pushes back on assumptions of out there being a space of intolerance, danger and conformity, but also highlights how queer bodies can be integrated into the global capitalist system and normalized in a place mainly readers might not expect. तो ये जो है उसकी रिसर्च का जिस्ट है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. बिटवीन सितंबर 12 एंड नवंबर 7 2017 ऑस्ट्रेलिया हैड अ नेशनल सर्वे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सेम सेक्स मैरिज. 61.6% of respondents supported legally recognizing same-sex marriage nationwide. तो पूरी दुनिया में पूरे 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 जो nationwide है यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पूरे में जो जो सपोर्ट किया गया वो 61.6% सपोर्ट किया गया एक सर्वे को जो के same-sex के बारे में किया गया था कि इसको जो है लीगल किया जाए या ना किया जाए. This cleared the way for provide members bill to be debated in federal parliament. इसने basically allow किया कि parliament में इस bill पे debate की जाए. उसके बाद है इंडिया. इंडिया में 6 सितंबर 2018 को consensual यानी के मर्जी के हिसाब से gay sex was legalized in India by their supreme court. उनके सुप्रीम कोर्ट ने जो गे सेक्स है उसको अलाउ कर दिया है 2018 में. उसके बाद आइसलैंड एंड अर्जेंटीनिया. आइसलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज थ्रू अ यूनानिमस वोट. यानी कि यूनानिमस वोट 49 वोट्स जो है वो इस चीज को मिले कि इसको अलाउ किया जाए 2010 में. उसके बाद एक ही महीने बाद अर्जेंटीना बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. उसके बाद जो लैटिन अमेरिका की कंट्री अर्जेंटीना है उसने भी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया. तो ये जो था रिस्पॉन्ड था उसका कंट्रीज का क्वेर थ्योरी की तरफ. तो अब हम देखते हैं इसमें क्रिटिसिज्म. For most people, their sexual identity is not fluid, it is constant. अब पहला क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत से लोग आइडेंटिटी को, सेक्सुअल आइडेंटिटी को फ्लूइड मानते ही नहीं है. उसके बाद दूसरा है कि क्वीर थ्योरी फोकसेस ऑन कल्चरल टेक्स्ट वेयर इट इज इजियर टू फाइंड सेक्सुअल और जेंडर एम्बिग्विटीज. उसके बाद तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन एट होम एंड एट वर्क फॉर एवरी गे पीपल are forgotten about in this approach as it reduces everyone to the same fluid identity. चौथे नंबर पे है by celebrating differences. Queer politics makes the gay or lesbian identity all too important. Other identities such as heterosexuality or sexuality are ignored. Queer theory celebrates pleasure and therefore puts too much emphasis on sex. तो ये पांच जो है इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म दिए गए हैं
by various writers and various authors. So thank you. I hope आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो.